बैठ जाओ ताकि वो देख सके बैठ जाओ बैठ जाओ वो देख सके बैठ जाओ वो देख सके ओ ओ ओ ओ थोड़ा अच्छा जी रहीम। मैं ये चाहता हूं कि आज बड़ी खामोशी से मेरी बात सुने ताकि ये एक बड़ा मुबारक दिन है और जो मैं आज आपके सामने अपने नबी अलैहि वसल्लम के मुतालिक और आज इस दिन के मुतालिक जो बात करूँगा मैं चाहता हूँ ज़रा बड़ी खामोशी से और आपने ऐसे मेरी बात सुनी है कि वो आदमी जो अपने बच्चों को जिस तरह समझाने की कोशिश करता है सीधे रास्ते पर लगाने की अपने बच्चों को कोशिश करता है जिस तरह बाप जिस तरह बाप या माँ बाप वो ये नहीं कि मां बाप ने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किए ये नहीं कि मां बाप कोई फरिश्ते होते हैं लेकिन मां बाप की हमेशा यह कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को अपनी गलतियों से सीख के हम बच्चों को वो सिखाएं ताकि वो वो गलतियां ना करें जो हमने जिंदगी में की थी तो मेरी कोशिश यह है कि आज अपनी जिंदगी जो मैंने सत्तर साल की जिंदगी गुजारी है उससे मैं आपको अपनी कौम को जिस तरह मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि मैंने जिंदगी से क्या सबक सीखे और मेरी जिंदगी सीरत सीरत नबी से बदली कैसे मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं मैं अपने आप को कोई आलम नहीं समझता मैं अपने आप को एक तालब इन समझता हूं जो हर रोज सीखने की कोशिश करता है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आश रसूल होने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए हमारे दिल में अगर उसकी अल्लाह मोहब्बत डाल देता है तो वो चाहे अनपढ़ हो चाहे कोई स्कॉलर हो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान होता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है अगर जब वो अपने नबी से इश्क करते हैं और उन उस रास्ते पे चलें तो मैं पहले आपको ये वाज़ कर दूँ कि मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से आप, आपको आज बात कर रहा हूँ इस मुबारक दिन पर क्योंकि देखे मैंने हर किस्म की जिंदगी देखी है क्रिकेट स्टार ग्लैमर मगरबी जिंदगी अपना मुल्क हर किस्म की मैं जिंदगी पे देख के तो आज आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले अभी आपने जो ये फिल्म देखी इसमें दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इंकलाब आपने देखा दुनिया की तारीख पे कभी इतना बड़ा इनकलाब नहीं आया 622 सौ बाईस सब ये दिन ये तारीख याद कर लें कि 622 मेरे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना छह सौ बत्तीस वो दुनिया से चले जाते हैं पर्दा कर देते हैं उन दस सालों के अंदर दुनिया की तारीख बदल जाती है तो जो मैं अपने नौजवानों को आज अपनी यूथ को अपने बच्चों को सारों को जो मैं आपके जेन में आज एक चीज डालना चाहता हूं कि वो क्या वो क्या तब्दीली आई उन लोगों में जो भी आपने फिल्म में पहले देखा कि जिनकी कोई हैसियत नहीं थी जालत थी दो सुपर पावर्स एक मगरब में और एक मशरक में कोई भी हैसियत इन लोगों की नहीं थी दस सालों में ये कॉम बदली और इन्होंने दुनिया की इमामत की जो आपने बाद में देखा कि सारी दुनिया में छा गए तो वो क्या चीज थी वो हमारे नबी सल्हलेसलम ने किस तरह इन लोगों को तब्दील किया कैसे इनके कैरेक्टर बदल गए कैसे लीडर्स बन गए सब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ना हमारे मुल्क में जो वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था ना ही मुसलमान दुनिया पे इस पे काम हो रहा है हमारे नौजवानों को बच्चों को स्कूलों में पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या कैसे इंसानों को तब्दील किया कुरान में अल्लाह कहता है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती वो कौम की हालत बदल गई क्योंकि लोगों ने अपने आप को बदल लिया और लीडर्स बन गए तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको अपना मैं फिर से कह रहा हूं मैं स्कॉलर नहीं हूं मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से जो मैंने मगरब का पूरा मैं सिस्टम अंदर से देखा हुआ है तालीम मेरे बाहर ली उसके बाद सारी दुनिया फिरा क्रिकेट की वजह से फिर सियासत फिर अपना माशरा अंदर से देखा तो मैं अब आपको अपने तौर पे बताऊंगा कि मेरे नबी वसल्लम ने कैसे चेंज किया उनको वो लोग फिर से जिनकी कोई हैसियत नहीं थी उन्होंने दुनिया की लीडरशिप संभाल ली और आज आज हम मैं समझता हूं कि हमारा पाकिस्तान उधर ही खड़ा है वो जो ना आपने पहले हालात देखे थे जहालत के हम उसके बड़े करीब खड़े हैं और हमने कैसे बदलना है अपने आप को अगर हमने दुनिया में इज्जत से रहना है और अगर जो बहुत बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान की इलाम इकबाल जो उनकी शायरी से उन्होंने गुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की कोशिश की और उनकी शायरी की कुरान के अंदर सारी शायरी कुरान के अंदर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर है इसके ऊपर उन्होंने जगाने की कोशिश की हिंदुस्तान के मुसलमानों को और वो ख्वाब क्या थी हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो दुनिया में मिसाल बनेगा कि हकीकी तौर पर इस्लाम क्या है और उनकी सारी नजर थी वो मदीना की रियासत जिधर एक मिसाल बनी थी दुनिया में जो मॉडल ने फिर उसके बाद सारी दुनिया पे वो फैल गए हजार साल तक मुसलमान दुनिया की सुप्रीम पावर रहे थे तो वो मैं फिर फिर भी मैं पूरी आजजी से कहता हूं कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं मैं सिर्फ अपने तजर्बे से अब बात करूंगा देखिए सबसे पहले क्या हुआ उन्होंने कैसे इंसानों के कैरेक्टर बदले उन्होंने किया क्या, क्या? उन्होंने सबसे पहले इंसानों को आजाद किया जहनी तौर पे आजाद किया अंदर अंदरूनी तौर पे आजाद किया क्योंकि आजाद जहन आजाद जहन बड़े काम करते हैं गुलाम जहन कभी कोई चीज नहीं करते इनोवेश इन्वेंशंस नई ईजाद जो चीजें होती हैं वो आजाद माइंड करते हैं गुलाम नहीं कर सकता एक गुलाम अच्छा गुलाम ही बनता है कॉपी करता है आजाद जहन बड़े काम करता है और उसकी वजह कई सौ साल तक सारे दुनिया के टॉप साइंटिस्ट मुसलमान थे और वो उसकी बुनियाद रखी गई मदीना में तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट एक इंसान इन, की परवाज में है वो है खौफ और मैं बार बार ये अपनी कौम को बताता रहता हूं कि जो खौफ का बुत है इसका तोड़ना बड़ा जरूरी है तो मेरे नबी अलैहि वसल्लम तो जो कुरान थी वो चलते फिरते कुरान थे तो कुरान के अंदर जो वाज तौर पर लिखा हुआ है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है खौफ का सबसे बड़ा खौफ मौत का अल्लाह ने कहा जिंदगी मौत मेरे हाथ में है लोग अभी भी डरते हैं मौत से जब पता है कि अल्लाह ने फैसला किया हुआ कि जब मैं चाहूंगा तो उससे पहले नहीं जाओगे इज्जत जल्लत अल्लाह के हाथ में लोग डरते हैं कि हम जलील हो जाएंगे मैं जब से सियासत शुरू की लोग मुझे कहते थे जी सियासत बहुत बुरी चीज है आपको जलील कर देंगे वो और फिर रिस्क लोग अपनी नौकरियां नहीं छोड़ते गलत काम करते हैं गलत ऑर्डर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि जी मेरी नौकरी ना चली जाए मेरा रिस्क ना चला जाए अल्लाह ने क्या वो मेरे हाथ में है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि वो क्या कै, क्या कैसे चेंज आए मदीना के लोगों वो आजाद हो गए उनकी परवाज ऊपर जानी शुरू हो गई मैं अपनी जिंदगी से आपको बताऊं जैसे जैसे अल्लाह ने और जो उसका सबसे बड़ा तोहफा है ईमान का जैसे जैसे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया सीरत नबी को समझना शुरू किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे बुद्ध टूटते गए ये नहीं कि मेरे में भी खौफ नहीं था मेरे में भी खौफ था मुझे भी ये होता था कि जी लोग मजाक उड़ाएंगे लोग हंसेंगे आपके ऊपर मुझे भी मैं तो बल्कि ज्यादा मुझे बचपन में बहुत ही शर्म आता था तकरीर ही नहीं होती थी लोगों के सामने तो मुझे हमेशा खौफ होता था कि अच्छा जी लोग मजाक उड़ाएंगे जैसे जैसे ईमान आता गया मैंने नबी की सीरत समझता गया आहिस्ता आस्ता ये बुत टूटते गए पहला बुत पहला बुत जो मेरा टूटा वो ये कि ये जी आप जलील हो जाएंगे आपको अगर पॉलिटिक्स में आएंगे आप जलील हो जाएंगे ये जो बुत है यह मैं आप सबको आज बता रहा हूं इसलिए इस कि हमारी ईमान कमजोर होता है आज जितना मुझे जब से मैं सियासत में आया हूं जितना मुझे बुरा भला कहा गया अगर मुझे जिल्लत का डर होता तो मैं बड़ी पहले छोड़ के चला गया होता जिस तरह के मेरे ऊपर जाती टैक्स हर किस्म के मेरे ऊपर जिस तरह की इन्होंने गंदगी मेरे ऊपर फेंकी है बीस सालों में छब्बीस सालों में किसी और सियासतदान पर नहीं फेंकी फैमिली को नहीं छोड़ा घर की खातिन किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने लेकिन क्या यह अब आपके आप सामने है मैं अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूं क्या मुझे इन्होंने जलील करने में कामयाब हो गए मैं आपको आज सबको कह रहा हूं पिछले छह महीने में जितनी मुझे अल्लाह ने इज्जत दिया मुझे सारी जिंदगी में कभी इतनी इज्जत नहीं मिली तो इसका तो मैं आपके सामने हूं स, सुने 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 गौर से सुने आइए जलसा नहीं है ये गौर से सुने क्योंकि मैंने आज आपको अपनी जिंदगी से समझा रहा हूं कि अगर इंसान के हाथ में जिल्लत होती तो आज मैं बड़ा जलील हो चुका होता मीडिया ये कंट्रोल करते हैं मीडिया को पैसे ये देते हैं लफाफे देते है। मुझे तो जलील हो जाना चाहिए था मैं इसलिए अपनी कौम को कह रहा हूं कि कभी अपने ये जो बुत है कि जी मुझे कोई जलील कर देगा ये याद रखी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हूं इज्जत और जल्दत दूसरी दूसरी चीज मौत का डर सबकी तरह मुझे भी मौत का डर था मैं जब पॉलिटिक्स में आया उससे पहले मैंने इस खौफ के ऊपर काबू पाया क्योंकि मेरा ईमान जैसे जैसे मजबूत होता गया मेरा ये खौफ ज, जाता गया और मैं जब इस नतीजे पे आया कि जब अल्लाह का फैसला होगा उससे पहले मुझे कोई नहीं ले जा सकता तब मैं सियासत में आया मैं कैंसर हॉस्पिटल में पांच साल मेरा ऑफिस था मैंने जब कैंसर हॉस्पिटल बनाया पांच साल मेरा ऑफिस था वहां अपने आसाम ने मैंने देखा तीन मेरे दोस्त तीन मेरे दोस्त वहां आए अच्छे भले चेकअप करवाने के लिए और छह महीने मेरे तीनों चले गए तो ये जो हम समझते हैं कि हम अगर सेफ खेलेंगे तो शायद हम मौत से बच जाएंगे या कि हम हम अगर अपने ईमान के मुताबिक चलेंगे तो शायद जल्दी मौत आ जाएगी गलत फहमी में निकाल दें अपने जेन से यह सबसे बड़ा खौफ है और यह इंसान को रोकता है बड़े कामों से और तीसरी चीज ये रिस्क कि जी मैं मेरी नौकरी चली जाएगी पैसा किधर से आएगा मेहनत इंसान करता है फैसला अल्लाह करता है तो ये जो तीन चीजें हैं ये इंसान को आजाद कर देती और फिर जो जो बड़ा बुत है मैं का बुत जो इंसान अपने से बाहर नहीं निकलता जो सबसे बड़ी जहाद है जहाद अकबर अपनी नफ्स के खिलाफ अपनी मैं को कंट्रोल करने के लिए यह बहुत बड़ा बुत है अपनी जात के लिए अपने आप के लिए इंसान समझता है नहीं है कि उसको अल्लाह ने कितना बड़ा मुकाम रखा है उसकी विजन जो इंसान अपने लिए जिंदगी गुजारता है वो छोटा सा इंसान बन जाता है जितना मर्जी अल्लाह उसको नवाज दे जितने मर्जी पैसे दे दे इल्म दे दे जो अपनी जात के लिए जिंदगी गुजारता है वह आज तक दुनिया की तारीख में बड़ा इंसान नहीं बन सका लोग किसको याद रखते हैं हम बड़े हो रहे थे लाहौर में तो सारे गंगा राम को याद रखते थे गंगा राम को क्यों उसने अस्पताल बनाया था इंसानों के लिए सारे जो अल्लाह के बड़े शरीर में बड़े 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 जो सूफी आए वलीअल्ला आए आज भी उनके मजारों पे देखे लाखों लोग जाते हैं क्यों जाते हैं क्योंकि वो इंसानों के लिए आए थे वो सब आशिक के रसूल थे वो सारे उनकी जिंदगी इंसानों के लिए थी और इंसानों से प्यार करते इज्जत देते सो ये जो बुद्ध है जब इंसान अपने से बाहर नहीं निकल सकता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस तरह लोगों को आजाद किया फिर उन्होंने माशरे को चेंज किया उन्होंने अब मैं क्योंकि मैंने बरतानिया का निजाम देखा है उधर मैंने अंदर से कई साल रहा और वहां सिस्टम स्टडी किया यूनिवर्सिटी वहां गया अब देखें उन्होंने मदीना में सबसे पहले चीज क्या की उन्होंने सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना अदल और इंसाफ का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सब लोगों के लिए एक कानून कानून के सामने सब एक बराबर कोई कानून से ऊपर नहीं है यह बड़ा जरूरी है आपको समझना क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमने रूल ऑफ लॉ देखा ही नहीं है मैं जब शुरू में गया बरतानिया तो पहली दफा मैंने रूल ऑफ लॉ देखा कोई कानून के ऊपर नहीं वो जा रहा उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी जरूरत नहीं है कानून तोड़ने की हमने जब शुरू में देखा जो उनका बर्तानिया का जो शजादा था प्रिंस चार्ल्स उसको ट्रैफिक वार्डन ने रोक के फाइन कर दिया वो स्पीड कर रहा था वहां कोई कानून से ऊपर नहीं था अभी आपने देखा कि बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर जो कि बाहरी अक्सरियत से जीता था उसको सिर्फ निकाल दिया गया इस, इस वजह से कि उन्होंने कहा कि इन्होंने इसने जो लोगों के लिए कानून बनाया था सोशल डिस्टेंसिंग का कोरोना के दौरान इसने वो उसके ऊपर अमल नहीं किया उसमें निकाल दिया कानून की बालादस्ती और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी कोई कानून से ऊपर नहीं है उन्होंने जो अतल और इंसाफ का निजाम कायम किया ये याद रखें कि पहले अदल और इंसाफ आया फिर खुशहाली आई ये नहीं कि पहले खुशहाली आई और फिर इंसाफ होया इंसाफ की वजह से खुशहाली आती है माशरे में जो आज दुनिया के अंदर एक इंडेक्स है उसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कि किन माशरों में दुनिया में कानून की बाला दस्ती है और किन माशरों के अंदर जंगल का कानून है यानी जिसकी लाठी उसकी बहंस आपको हैरत होगी सुन के जिस मुल्क में सबसे ज्यादा कानून की हुक्मरानी है यानी इंसाफ है जो मदीना की रियासत में कायम किया गया वो है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में 99.9% परसेंट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है यानी मुकम्मल इंसाफ है वहां वह कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं है सबसे खुशहाल जगह है स्विट्जरलैंड वसाइल है ही नहीं और सबसे कम रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे कौन है नाइजीरिया सात फीसद वो है तकरीबन सौ फीसद वो है सात फीसद नाइजीरिया सबसे ज्यादा अफ्रीका में तेल नाइजीरिया में है उसे तो बड़ा अमीर होना चाहिए वसाइल के हैसियत से स्विट्जरलैंड में तो स्वाए गाय और पहाड़ों के है ही कुछ नहीं वो सबसे खुशहाल है और नाइजीरिया में सबसे ज्यादा गुर्बत है क्योंकि कानून ही नहीं है इंसाफ ही नहीं है वहां भी ऊपर तकड़े लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं हम कानून के ऊपर हैं कानून सिर्फ कमियों के लिए है उधर भी कोई उस वो मुल्क जिधर अफ्रीका में सबसे ज्यादा तेल है वह गुर्बत है क्योंकि सिर्फ सात फीसद रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है और आपको अफसोस होगा कि स... तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया 20 फीसद से कम है पाकिस्तान भी 10 फीसद से कम है हमारा यह हाल है तो कैसे खुशहाली आएगी क्योंकि हमने जो न... मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में जो प्रिंसिपल सेट किए थे नंबर वन था इंसाफ वो हम आपके सामने तमाशा हो रहा है मुल्क में जो ताकतवर है वो अपना ही अपना ही प्रोसिक्यूटर भी रख रहा है, नैब का हेड भी अपना फ, भी, और बचते भी जा रहे हैं और जेलों के अंदर फंसे हुए बेचारे गरीब लोग आप जेलों वाले जो गरीब लोग हैं उन्हें भी कहें जी अपना प्रोसिक्यूटर वाले वो सारे बच जाएंगे और फिर ये बार बार मैं अपनी कौम को वो हदीस सुनाता हूं कि मेरे नबी ने कहा नबी वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर छोटे चोरों को जेलों में डालते थे और बड़े डाकुओं को आप पकड़ते नहीं थे तबाही का उन्होंने बताया और आज आप दुनिया में देख लें जो मुल्क बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता वो हो रही मै सारे वसाइल के बावजूद सो नंबर वन प्रिंसिपल उन्होंने सेट किया रूल ऑफ लॉ नंबर टू और रूल ऑफ लॉ के साथ मेरिट क्योंकि जिधर इंसाफ होता है उधर ही मेरिट होती है आज आप मगरबी ये मुल्क में चले जाएं सारे जितने अमीर मुल्क हैं सब 90 परसेंट से ज्यादा रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के साथ मेरिट आ जाती है और दूसरी चीज मेरे नबी सल्लम ने अमर बिलमारूफ व नहीं मुनकर वो जो अल्लाह का हुक्म है कि सारी आवाम को अल्लाह का फरमान है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़ा होना और बुराई के खिलाफ खड़ा होना है यह है बेसिस एक महजब माशरे की मैं अब आपको बताऊं मैंने जो इंग्लैंड में देखा क्योंकि मैंने फिर से आपको कहूं अंदर से मैंने वो माशरा देखा एक दफा किसी आदमी के ऊपर यह इल्जाम लग जाए कि उसने चोरी किया है करप्शन किया है वो जो मर्जी हो सारा जो उसके दोस्त भी मिलना छोड़ देते हैं उनके मिलने वाले भी उनको मिलते नहीं हैं वो जाते रेस्टोरेंट्स में जाते डरते हैं क्यों हमारे वो जो बाहर गए हुए हैं उनको आवाजें पड़ती हैं जो हमारे बाहर बैठे हुए हैं क्यों वो आवाजें पड़ती हैं? क्यूं? क्यों क्योंकि सुने 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 क्यों पड़ती है क्योंकि वो उस माशरे में होता ही ऐसे है अगर किसी के ऊपर ये लग जाए कि उसने पब्लिक का पैसा चोरी किया करप्शन का मतलब होता है पब्लिक का पैसा चोरी करना वो कहीं निकल ही नहीं सकता क्योंकि वो कौम अब मारूफ पे चलती है एक मैं आपको मिसाल देता हूं अमेरिका के अंदर एक था बर्नी मैडोफ अरबों अरबों डॉलर पति था सारी सोसाइटी में सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स सोसाइटी के सारे उसके से मिलते थे तस्वीरें खिंचाते थे अमीर तरीन अमेरिका का आदमी था इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है नेटफ्लिक्स पे वो बनी मर्ड ऑफ कई सालों के बाद पता चला जनाब उसने फ्रॉड से पैसा बनाया था पता चला कि उसने फ्रॉड से पैसा बनाया था लोगों को तो छोड़े ना कि लोग उससे सारे दुनिया भाग गई और वो जेल में चला गया उसकी बीवी ने उसको तलाक दे दी उसके एक बेटे ने खुदकुशी कर ली कि मैं दुनिया के सामने नहीं जा सकता उसका दूसरा बेटा घर के अंदर बंद हो गया दो साल में बीमार होकर मर गया क्योंकि हम पब्लिक के सामने कैसे जाएंगे सिंगापुर के अंदर हमारे साथ तकरीबन हमारी थोड़ी देर के बाद आजाद हुआ था सिंगापुर के पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर यू, उसने आते साथ ही कानून की बाला की, कायम सिंगापुर और पाकिस्तान का एक ही जितना था हमारा जो औसत आमदनी पर कैपिटल इनकम हमारी और सिंगापुर की मिलती थी एक ही जितनी थी आज साठ की दहाई में ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आया कानून की बालादस्ती कायम की जैसे ही आप कानून की बालादस्ती कायम करते हैं करप्शन खत्म हो जाती है वो सिंगापुर का एक मिनिस्टर उसका अपना दोस्त था वो पकड़ा गया करप्शन में उस दोस्त को वो प्राइम मिनिस्टर का दोस्त था जैसे ही वो पकड़ा गया उसे पता था कि मैं बच नहीं सकता हालांकि मैं प्राइम मिनिस्टर का दोस्त उसने खुदकुशी कर ली कि अब मैं माशरे में कैसे जाऊंगा क्योंकि माशरे में अमर बिल मरूफ है आवाम खड़ी हो जाती है छाई के साथ वो ही सिंगापुर अब ये सोचे हम और सिंगापुर एक ही जगह थे साठ की दिहाई में आज वो सिंग हमारा कितना पर कैपिटल इनकम है औसत आमदनी आज पाकिस्तान मेरे ख्याल में ढाई हजार डॉलर हो गया तीन हजार मुझे अभी पूरा एग्जैक्ट नहीं पता सिंगापुर में साठ हजार डॉलर पर कैपिटल इनकम है औसत आमदनी तो पहले इंसाफ और उसके बाद खुशहाली और माशरे की जिम्मेदारी डाल दी मेरे नबी सल सब ने अमर बिल अमरबलमाफ पे तीसरी चीज उन्होंने अपने माशरे के अंदर मदीना की रियासत में क्या किया तालीम की इमरजेंसी लगा दी जंगे बदर के बाद जो कैदी आ, मक्का के कैदी थे उनको वापस के पैसे ले सकते थे क्योंकि मुसलमान तो गरीब थे तब, बल्कि जंगे बदर में मैंने इतना भी पढ़ रहा था कि कई लोगों के पास तलवारें भी नहीं थे डंडों से लड़े हैं तो वो तो कैदियों को वापस करके पैसे ले सकते थे हथियार खरीद सकते थे दुनिया के अजीम लीडर ने कहा नहीं जो दस मुसलमानों को पढ़ा लिखा देगा उसको हम आजाद कर देंगे तालीम के ऊपर जोर दिया चाइना भी जाना पड़े तालीम हासिल करने के लिए तो जाओ जब से तुम पैदा होते हो और जब तक कब्र में नहीं जाते इल्म हासिल करो इसलिए सदियों तक टॉप साइंसदान मुसलमान थे तालीम के बगैर माशरा ऊपर नहीं जाता और हमारा अब फिर से हाल देख लें कितना जोर लगाया तालीम कितना शर्म की बात है कि पचहत्तर साल इंडिपेंडेंस पहली दफा हमने कोशिश की थी कि कम अज कम तालीम का निजाम में इंसाफ करें नहीं तो अमीर के लिए थोड़े से आठ लाख अमीरों के लिए इंग्लिश मीडियम बाकियों के लिए उर्दू मीडियम वो बेचारे पढ़ के भी ऊपर नहीं आ सकते थे एक तालीमी निजाम जो गरीब को गरीब करता था जो मुल्क में ना इंसाफी फैलाता था वह हमने कोशिश की पता नहीं अब इस हुकूमत ने वो खत्म कर दिया होगा कि एक ही निसाब पाँच क्लास तक और ऊपर तक लेके जा रहे थे लेकिन तालीम ये तीसरी चीज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल मदीना में कहा तालीम के ऊपर उन्होंने जोर दिया जिसकी वजह से मुसलमान ऊपर गया और फिर फलाई रियासत इंसानियत का निजाम दुनिया की तारीख में पहली दफा उन्होंने एक फलाई रियासत बनाई और यकीन करें मुझे पता ही नहीं था फलाई रियासत क्या होती है जब तक मैं बर्तानिया नहीं गया मैं जब पहली दफा बर्तानिया गया मैंने पहली दफा रियासत देखी।, देखी जो उन्होंने मदीना की रियासत में पहली दफा इंसानियत का निजाम लेके आए थे कि कोई कमजोर आदमी उसकी रियासत ने जिम्मेदारी ली थी गरीबों की आप हैरान होंगे कि जो पेंशन थी बूढ़ों की भी जिम्मेदारी पहली दफा दुनिया की तारीख में मदीना की रियासत में ली थी यतीमों की मजूरों की बेवाओं की ऐसे ऐसा निज़ाम कभी पहले नहीं आया था तो स्टेट ने इंसानियत का निजाम लेके आया और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज आप यूरोप चले जाए मैंने स्कैंडिनेविया जो बेहतरीन मैं समझता हूं कि उस निजाम के करीब मदीना के रियाज जो मैंने देखा है वो डेनमार्क डेनमार्क स्वीडन नॉर्वे आप वहां देखिए आप अपने पाकिस्तानी रहते हैं वहां उनसे पूछे तो सही कि इंसानियत क्या होती है मैं बार बार कहता हूं अपने जानवरों का हमारे से बेहतर ध्यान रखते हैं वो हजरत उमर का कॉल था कि अगर कुत्ता भी भूखा मरे मेरी रियासत में तो मैं जिम्मेदार हूं आज उधर आप देख लें उनका आर एस पी सी है कुत्ते आपको सड़कों पर नहीं नजर आएंगे वो उनको होम्स देते हैं उनको खिलाते हैं पलाते हैं यानी वो जो हमने दुनिया में शुरू किया था जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का निजाम दुनिया में शुरू किया था वो आज उन मुल्कों में मिल रहे हैं जो मुसलमान नहीं और ये याद रखें ये कभी नहीं हमें भूलना चाहिए कि अल्लाह ने खिताब मेरे नबी वसल्लम को आलमीन का था सब इंसानों के लिए रहमत के किया था जिस तरह मेरा रब रबुल आलमीन है इसका क्या मतलब है सबसे पहले तो जो मिसा के मदीना था इंसानों को इकट्ठा किया गया जो मिसा के मदीना चार्टर मदीना का जो चार्टर था जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी बल्कि दुनिया में कहते हैं दुनिया में पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें इंसानों को इकट्ठा किया गया वहां असाई थे वहां यहूद मसीह बरादरी थी वहां यहूदी थे उन सबको इकट्ठा किया गया इंसानों को तकसीम नहीं किया गया इकट्ठा किया गया तो ये लीडर की निशानी होती है कि लोगों को इंसानों को इकट्ठा करता है तकसीम नहीं करता लेकिन इसका एक और भी मतलब है कि जो माशरा जो भी माशरा मेरे नबी सल वसल्लम के अहकाम पे चलेगा जो भी उनकी सीरत पे चलेगा अगर वो मुसलमान हैं या नहीं हैं अल्लाह की उनकी बरकत आ जाएगी उनके ऊपर क्योंकि वो रहमत लालमीन थे अगर अगर सिर्फ उनकी सीरत पे चल के मुसलमानों को फायदा होना था तो अल्लाह उनको रहमत लालमीना कहते रहमत मुसलिम होते वो तो इसलिए आज अगर आप देखते हैं मुल्कों की खुशहाली आप देखें कि कितनी तौर पे वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चल रहे हैं आपको हैरान होंगे कि जब हमने भी शुरू में पढ़ा हम भी हैरान हुए मैंने बहुत पहले पढ़ा मोहम्मद अब्दू बड़ा स्कॉलर थे बहुत बड़े आलम थे इस्लाम के वो जब पहली दफ़ा यूरोप कोई सवा सौ साल पहले गए और मिस्र से गए तो जब वो मिस्र वापस आए उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा मैं यूरोप गया था वह मुसलमान तो नहीं नजर आए लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया और जब वापस मिस्र आए तो कहते मुसलमान तो बहुत है इस्लाम बहुत कम नजर आ रहा है तो इस हम पाकिस्तानी जिधर आज खड़े हैं हमारे पास एक रास्ता है और मैं इसलिए आज मैं चाहता हूं कि इस, इस मुबारक दिन हमेश करते हैं अपने नबी वसल्लम से लेकिन हम उन्होंने जो उनकी सीरत पे अमल नहीं करते और इसकी वजह से हमारे हालात अच्छे नहीं हैं और मेरा ये ईमान है कि जब तक हम वो जो उन्होंने रास्ता बताया उस पर नहीं चलेंगे हमें इज्जत नहीं मिलने लगी प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है और भीख मांग रहा होता है जी मुझे पैसे दे दो नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा सब बाईस करोड़ लोगों के लिए हम सबके लिए शर्मनाक है कि वो वो मुल्क जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या ला लाला ये बड़ा नारा है ये दावा है बहुत बड़ा ये अल्लाह से वादा है कि अल्लाह तेरे सब कोई खुदा नहीं है वो आज ऐसे फिर रहा है दुनिया में कोई आता है गोरे रंग का कोई बाहर से आ जाता है सारे गिर जाते हैं उसके सामने ना इज्जत है ना आजादी है जो हुक्म मिलता है कि अच्छा जी रूस से तेल नहीं लेना हम नहीं लेते क्योंकि हुक्म आया बाहर से तो मेरे पाकिस्तानियों हमें आज इस मुबारक दिन पे अपने आप रिफ्लेक्ट करना है गौर और फिक्र करना है कि हमने कैसे इस कौम को उस कौम उधर पहुंचाना है जिसके लिए यह मुल्क बना था यह मुल्क इसलिए नहीं बना था कि थोड़े से लोग एक फीसद लोग अमीर हो जाएं और पैसे बनाएं और कानून के ऊपर चले जाएं और बाकी लोग उनकी गुलामी करें इसलिए नहीं बना मुल्क बना था मुल्क बना था एक बड़ा ख्वाब था कि हम उन प्रिंसिपल्स पे चलेंगे और दुनिया की तारीख शाहिद है कि वो दस सालों के अंदर दस साल ज्यादा देर नहीं दस सालों के अंदर वो काम खड़ी हो गई थी पहले चार पांच साल तो मुश्किल से पहले चार पांच साल तो उम्मा सरवाइव कर रही थी बड़ी मुश्किलों से कभी जंग फिर जंग खंदक बड़ी मुश्किलों से उम्मा ने अपने आप को बचाया कुर्बानियां दे के अपने आप को बचाया उसके बाद वो फिर उनका अरूज शुरू हुआ कौमें कुर्बानियां देके बनती हैं कौमें भीख मांग के और कर्जे दे के और दूसरों के सामने जलील होके के नहीं कौमें बनती कौमें बनती हैं जब जिस तरह दुनिया के अजीम लीडर ने अपनी मिसाल दी कि जब जंग खंदक के अंदर मुश्किल वक्त था खाना पीना नहीं था क्योंकि वो चारों तरफ मक्का के वो कुफार ने घेरा हुआ था उनको तो लोगों को का पेट एक पत्थर बांधो पेट पे अपने पेट पे दो पत्थर बांधे हुए थे लीडर ने कुर्बानी देकर अपनी कौम को खड़ा किया था और ये वो कौम अल्लाह ने जिसको हर किस्म की नेमतें बख्शिया हमें बड़ा मौसम हर किस्म की यहां आपको अंदाजा ही नहीं है मैं तो साढ़े तीन साल में इकतदार में पता चला कि अल्लाह ने क्या दिया है लेकिन हमें कैरेक्टर चाहिए एक कैरेक्टर चाहिए एक बड़ी कौम बनने के लिए जो हमारे नबी वसल्लम ने उनके उनको आजाद किया था उनका कैरेक्टर उठाया था ऐसा कैरेक्टर था कि इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर कोई मुसलमान फौज नहीं गई सिर्फ मु, मुसलमान ताजरों की वजह से उनके कैरेक्टर को देख के लोग मुसलमान हो गए हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जब राजपुताना में आए तो वहां तो कोई मुसलमान ही नहीं था राजपुताना में तो कोई मुसलमान नहीं था जब वो गए तो लाख लोग लाखों लोग उनके जनाजे पे आए कैरेक्टर से उन्होंने बदला जो सारी जो 10 साल थे 622 सौ बाईस और छह सौ बत्तीस टोटल लोग कहते हैं जी तलवार से इस्लाम फैला जो टोटल मुस जो मुसलमान और जिनका मुकाबला था मुखालिफ जो टोटल लोग जंगों में मरे थे वो बारह सौ तेरह सौ थे बारह सौ तेरह सौ दस साल में लोग जंगों में मरे थे फिक्री इनकलाब था जहन बदल गए थे और जहनों ने इंसान को बड़ा इंसान बनाया था आजाद जहनों ने तो आज मैं इसलिए ये बड़ा मुबारक दे रहा है कि हम सबको आज अपने मुल्क को उठाने के लिए अपना कैरेक्टर गौर करना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं नबी की सीरत पर चलें मैंने रहमत लाल मीन अथॉरिटी बनाई मकसद उसका क्या था कि हमारे बच्चों को सीरत नबी से उनका कैरेक्टर मजबूत करें यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर डिबेट्स हो सारे डिस्कस करें हमारे इंटेलैक्ट हमारी जो स्कॉलर्स हैं वो डिस्कस करें कि अल्लाह ने क्यों हमें हुक्म दिया हुआ है कि नबी की सुन्नत पे चलो हमारी बेहतरी के लिए और वो क्या उन्होंने कदम क्या कह रहे कैसे चेंजेस किए एक, एक ऐसे ऐसे इतनी दुनिया में इतने थोड़े वक्त दुनिया की तारीख में इतने थोड़े वक्त कभी इतने ग्रेट लोग नहीं आए हर इंसान कोई ना कुछ बन गया अगर ये मगरब में होते आज ये फिनमिना तो एक एक के ऊपर किताबें लिखी जा रही होती हजरत खालिद बिन वलीद पर किताबें लिखी जा रही होती इनके ऊपर बता रिसर्च होती कि वो क्या था कभी वो जंग ही नहीं हार और हर कोई हर कोई जनरल बन गया हजरत बिलाल दो कैंपेन्स में वो लीड करके गए एक गुलाम एक जनरल बन गया इसके ऊपर कभी काम नहीं किया हमारे स्कॉलर्स ने नहीं काम किया रहमत अथॉरिटी का मतलब यह था कि स्कॉलरशिप आए और वो काम करे इस पर ताकि अपने यूथ को तो बताए क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे उनके ऊपर तो मगरबी कल्चर की जलगार हुई हुई है मोबाइल फोन से बच्चों को वो मटीरियल मिल रहा है जो इंसानी तारीख में नहीं बच्चे को मिला तो जब तक आप उनको सीरत नबी से उनको मजबूत नहीं करेंगे वो कैसे ये जो इतना ऑन स्लॉट है एक 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 वो कल्चर का जो बिल्कुल मुख्तल है हमारी हमारे दीन से हमारी तारीख से हमारे कल्चर से वो कैसे मुकाबला करेंगे उनको जब आप जब तक उनको आप मजबूत नहीं करेंगे वहां तो जो कल्चर आ रहा है टेलीफोन से मैं अभी आपको बता देता हूं वो ये कह रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो इतने आगे निकल गए हैं इसका मतलब हर चीज में वो आगे हैं इसका मतलब हमारा दीन भी आउटडेट हो चुका है हमारा कल्चर भी आउटडेट हो चुका है तो बेचारे उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं बच्चे और गलती हमारी है क्योंकि हम उनको बता ही नहीं सके कि दूसरा हमारा है क्या जो इलाम इकबाल कोशिश करते रहे तो ये रहमत आलमीन अथॉरिटी का मकसद ही ये था कि हम अभी से अपने बच्चे कॉलेज स्टूडेंट्स यूथ उनको तैयार करें इक्कीसवीं इक्कीसवीं सदी में आपने कैसे कैसे आपने फेस करना दुनिया को माए बा माँ खास तौर पे माँ के ऊपर जो अब प्रेशर है मुझे तो पता है क्या प्रेशर पड़ा हुआ है ये मोबाइल फ़ोन की वजह से जो बच्चों के लिए अब गए हैं तो इसलिए इसलिए मैं आज इस दिन पे अपनी सारी यूथ को कहता कि अगर हमारे अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम आपको तालीम नहीं दे सका जो आपको मिलनी चाहिए और इन हम जब भी वापस आएंगे और अल्लाह ने जब किया तो रहमत लालमीन अथॉरिटी को रिवाइव करेंगे स्कॉलरशिप रिवाइव करेंगे बच्चों को तैयार करेंगे और मैं ये चाहता हूं देखें देखें आखिरी बात मेरी मेरी जो आखिरी बात है वो ये सुन लें ये तो अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है कि वो किसी को ईमान देता है या नहीं देता कोई किसी को ज़बरदस्ती दीन में नहीं ला सकता लेकिन हमारा फर्ज यह है कि कम अज कम हम अपनी यूथ और बच्चों को उनकी फाउंडेशन तो बना दें उनकी बुनियाद तो रख दें उनको बता तो दें कि आपका दीन और ख़ास तौर पे शुरू हमेशा सीरत तो नबी से करें उसके बाद क़ुरान की तालीम तालीम दें सीरत नबी एक ऐसी चीज है जो मैं अपनी अब अपनी अपने आप से कह रहा हूं कि मेरी तो पहले मुझे नबी की सीरत मैंने पढ़ी और समझी उनकी तारीख उनकी जिंदगी फिर मुझे कुरान की समझ आई उससे पहले मुझे कुरान की समझ ही नहीं आती थी तो जब तक मुझे सीरत नहीं पढ़ी फिर मुझे समझ आनी शुरू हुई तो दोनों पढ़ानी चाहिए लेकिन अभी से ही हमें ये अपने मैं अपने यूथ को अब कहता हूं कि किताबें पढ़ें नबी सलाह की जिंदगी पढ़ें समझें कि वो दुनिया में क्या हुआ था कभी ऐसे दुनिया की तारीख में ऐसा फिनना नहीं आया और उसके बाद जो फिर अल्लाह आपको हदायत करता है नहीं वो आपकी किस्मत है लेकिन कम अज कम उससे आप तैयार हो जाएंगे दुनिया इक्कीसवीं सदी का मुकाबला करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सलाम अब हम सब मिलके सलाम पेश करेंगे सलाम